और हाउस में कुछ डिस्टर्बेंसेस भी होती हैं। ओके, दैट इज फ्रॉम द प्रेजेंटेशन फ्रॉम एमओडी साइड। नाउ आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, वेयर इज द रिचेस्ट लैंड इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे धनी लैंड कौन सी है, कोई बच्चा बताएगा? बता सकता है? नहीं बता सकता। चलिए, दिस वॉज अ क्वेश्चन पोस्ड बाय अ डायरेक्टर इन अ बिजनेस मीटिंग। बिजनेस मीटिंग में एक डायरेक्टर ने यही क्वेश्चन अपने जो बिजनेस पर्सन थे उनसे पूछा कि वेयर इज द रिचेस्ट लैंड इन द वर्ल्ड। तो एक व्यक्ति वहां से उठा, उसने कहा सर अफ्रीका सबसे रिचेस्ट लैंड है, देयर आर डायमंड माइंस एंड गोल्ड माइंस इन अफ्रीका एंड दैट इज व्हाई अफ्रीका इज वन ऑफ द रिचेस्ट लैंड। डायरेक्टर सेड नो, देन वन अनदर पर्सन स्टूड देयर एंड ही सेड सर गल्फ कंट्रीज दे आर द रिच स्टोर ऑफ द दिस ऑयल, तेल के भंडार है वहां पे। डायरेक्टर सेड नो, अगेन नो। द करेक्ट आंसर इज द ग्रेव यार्ड, कब्रिस्तान। सबसे धनी जगह जो है दुनिया में अगर है तो दैट इज ग्रेव यार्ड, वी कॉल इट सेमेट्री। यहां पर जो है मिलियंस ऑफ माइंड्स, बिलियंस ऑफ आइडियाज आर देयर। बड़े बड़े लोग एल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर के एरिस्टोटल से लेकर के चाणक्य से लेकर के धन्वंतरी रामानुजन आर्यभट्ट, इतने बड़े बड़े ब्रेन जो है हमारे ग्रेव यार्ड में दफन है। यही बात वहां पर एक बहुत बड़े राइटर थे टॉड हेनरी, और उन्होंने ये बात वो भी सुन रहे थे कि दुनिया की सबसे धनी जगह जो है कब्रिस्तान है, और यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े जो दुनिया के विद्वान लोग हुए हैं उनके माइंड्स वहां पर दफन हो रखे हैं, और उनके साथ जो आइडियाज हैं, नॉलेज है, स्किल है, एबिलिटीज है, विजडम है, और मेथड्स उनके दिमाग में जो थे, न्यू टेक्निक्स, एवरीथिंग इज बरीड देयर। सो दैट इज व्हाई द ग्रेवयार्ड इज वन ऑफ द रिचेस्ट लैंड इन द वर्ल्ड, सबसे धनी जगह है। तो टॉड हेनरी ने एक बुक लिखी है, व्हेन एवर यू फाइंड टाइम यू जस्ट रीड इट, द नेम ऑफ द बुक इज डाई एम्प्टी। डाई एम्प्टी यानी जब मरो तो एम्प्टी होकर के जाओ। यहां पर इस बुक में ये कहा गया है, कभी आपको मौका मिलेगा तो इसका जो फोर प्रिंसिपल्स इसमें दिए गए हैं, पहली बात इसमें कहा गया कि बिकम अ डेवलपर। पहला जो पॉइंट इसमें आता है अपने दिमाग में रखिए, बिकम अ डेवलपर, बी प्राउड ऑफ योर वर्क एट द एंड ऑफ द डे। आज आपको ऐसा काम करना है कि शाम को आप अपने ऊपर प्राउड कर सकें, वट एवर आई एम डूइंग टूडे आई हैव थिंक ओवर इट एंड वट आई हैव अचीव्ड ड्यूरिंग द ड्यू होल डे बाय माई वर्क आई हैव थिंक ओवर इट एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। मैंने आज क्या काम किया जिसके लिए मैं अपने आप को गर्व महसूस कर सकता हूं। इसमें थ्री मॉडल्स हैं इसके बिकम अ डेवलपर के। पहला इसमें कहा जाता है मैपिंग, कोई भी काम आप करते हैं क्रिएट अ विजन, एक विजन क्रिएट करना है, वर्क बिफोर वर्क। इसका जो थ्योरी है वर्क बिफोर वर्क, योर सक्सेस टू द लार्जर एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन हाउ मच वर्क यू डू बिफोर वर्क। काम करने से पहले आप कितना काम करते हैं इस पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। सपोज आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उस आईएएस की तैयारी करने से पहले दैट इज अ वर्क, उससे पहले आपने कितना वर्क किया है, आप उस आईएएस का सिलेबस पता किया, कौन कौन सी बुक मैं पढ़ूंगा, कैसे नोट्स बनाऊंगा, जो आईएएस है उनसे संपर्क किया, यूट्यूब से आईएएस के इंटरव्यूज और उनकी तैयारी के बारे में सुना, दिस इज अ वर्क आई हैव डन बिफोर वर्क। आप लोग 12 क्लास के स्टूडेंट्स, 12 टेंथ के बोर्ड के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने से पहले दैट इज अ वर्क, बट बिफोर दैट हाउ मच वर्क यू डिड, मैंने कितना प्लान किया, कितना मैंने एनालिसिस किया कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, उसके लिए मुझे कितनी तैयारी करनी है, क्या करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, दैट इज वर्क बिफोर वर्क। तो सबसे बड़ी बात है हम कितना वर्क बिफोर वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैपिंग, मैप बनाना है। जैसे मान ले जाए हमको दिल्ली जाना होता है, अभी सपोज कनॉट प्लेस में मुझे जाना है,
तो मैं उसके बारे में गूगल में सर्च करता हूँ, अपने कोई रिलेटिव से उनसे पूछता हूँ, बहुत सारी जानकारी, जितना अच्छा मैंने वर्क किया है उतनी आसानी से मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अगर मैंने कोई वर्क नहीं किया है तो फिर मैं वहां जाके भटक भी सकता हूँ। तो दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल मैपिंग। सेकेंड प्रिंसिपल इज मेकिंग। अब उसके बाद वर्क कितना मैं करता हूँ, कितना काम करता हूँ, दैट इज द वर्किंग मैपिंग। पहला मैपिंग है, दूसरा मेकिंग, एंड थर्ड इज मैशिंग। मैशिंग MESHING, मैशिंग का मतलब ग्रोइंग। कितना जो है मैं अपने वर्क के बारे में पैशनेट हूँ, हाउ मच आई एंजॉय माई वर्क, वट एवर वर्क आई डू आई शुड डू विद एंजॉयमेंट। जो भी काम हम करते हैं पैशन होना चाहिए हमारे अंदर, पैशनेट, वी शुड बी पैशनेट अबाउट ऑल इट। तो तीन प्रिंसिपल होगी, मैपिंग, मेकिंग एंड मैशिंग, वर्क बिफोर वर्क। उसके बाद दूसरा जो प्रिंसिपल इसका है, दैट इज फाइंड योर ब्लिस स्टेशन। आपका जो ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पी। अल्टीमेट एम, किसी अगर देखा जाए तो हम सब लोगों का अल्टीमेट एम हैप्पीनेस है। आप लोग यहाँ पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, अल्टीमेट एम हैप्पीनेस है। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके पैसा, कोई अच्छा कोर्स करेंगे, उसके बाद जॉब करेंगे, जॉब करके पैसा कमाएंगे, पैसे से क्या खरीदेंगे, हैप्पीनेस। तो इवेंचुअली वी ऑल लीड टू हैप्पीनेस, वी वर्क फॉर हैप्पीनेस। कोई भी काम हम करते हैं, इवन कई बार हम, आपने किसी को थप्पड़ मारा तो क्यों मारा, आपको हैप्पीनेस मिला, दैट वॉज योर एम। तो ये जो है फाइंड योर ब्लिस स्टेशन, यहाँ पर कई बार हम किसी एडवेंचर में जाते हैं, कोई पर्वतों पहाड़ों पे जाते हैं, हमको बहुत सारे हर्डल्स उसमें होती हैं, वी हैव टू एंजॉय द हर्डल्स, उनको भी एंजॉय करना है। उसके बाद जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, देन ओनली वी विल एंजॉय इट। सो सेकेंड इज फाइंड योर ब्लिस स्टेशन। और थर्ड जो है एस क्यूब कहा जाता है इसको, 3 S है इसमें, स्टेप, स्प्रिंट एंड स्ट्रेच। स्टेप, अ जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। पहला स्टेप आप कैसे रखते हैं, हमारे 3 गोल होते हैं, स्टेप गोल, शॉर्ट टर्म गोल, स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब होता है धावक, स्प्रिंटर सुना होगा आपने, मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा, उसको स्प्रिंटर कहा जाता है, धावक। स्प्रिंट का मतलब दौड़ना। तो स्प्रिंट गोल, पहला मेरा गोल है स्टेप गोल, हाउ टू स्टेप, शॉर्ट टर्म गोल, देन इज स्प्रिंट गोल, मिडिल टर्म गोल, एंड देन द स्ट्रेच गोल, दैट इज द लॉन्ग टर्म गोल। मेरे गोल क्या है जो भी मैं तैयारी कर रहा हूं। तो हमको जो है वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्टेप लेवल टू स्ट्रेच लेवल। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो फोर्थ प्रिंसिपल है, दैट इज शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस ये बहुत जरूरी है। शॉर्ट एनालिसिस, SWOT, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट। ये हमको, आप स्टूडेंट हैं, आपको करना जरूरी है। आप एक सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, सपोज आप इंग्लिश की बात लेते हैं, आप अपना शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, मेरी इंग्लिश में स्ट्रेंथ क्या है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, दैट इज माय स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्पेलिंग बहुत गलत होती है, दैट इज माय वीकनेस, अपॉर्चुनिटी क्या है इनको मेरी वीकनेस को दूर करने के लिए, यहाँ पर हमारे इंग्लिश टीचर्स हैं, हमारे पास लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, मेरे हाउस में आप नवोदय में तो अपॉर्चुनिटी और भी ज्यादा है, आप लोग हाउस में रहते हैं तो आपके साथी हैं, उनसे आप सीख सकते हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटीज। और थ्रेट, थ्रेट क्या है कि कौन सा रिस्क फैक्टर है जो मुझे फेल करा देगा। आप सारे सब्जेक्ट के बारे में कर सकते हैं, 5 सब्जेक्ट को लेकर के, मेरा बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा, मेरी स्ट्रेंथ है, फिजिक्स में मैं बहुत अच्छा हूँ, मैथमेटिक्स में मैं बहुत अच्छा हूँ, दैट इज माय स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है, मैं, मेरी इंग्लिश ग्रामर बहुत वीक है, दैट इज माय वीकनेस। अपॉर्चुनिटीज क्या है, हाउ टू रिमूव माय वीकनेस, उसके लिए मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। और थ्रेट क्या है, कौन सी चीज है जो मेरे को यहाँ पर रोक लेगी। तो ये शॉर्ट एनालिसिस एवरी टाइम वी हैव टू डू, कोई भी वर्क हम करते हैं, वी हैव टू डू द शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, दीज आर द लैंडमार्क्स फॉर द सक्सेस। आपको सक्सेस में जाना है। यहाँ पे कहा जाता है कि आदमी जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया नहीं। ये मतलब जो सामान्यतः जीत ऐसे जी रहा है जैसे एक मरना ही नहीं कभी, और जब मरता है तो कोई जानता भी नहीं बगल में, नोबडी नोज, इवन नेवर इन द नेबरहुड नोबडी नोज हु दिस पर्सन वाज। तो यहां पर जो है
ये हमको सक्सेस के मंत्रा जो बताए गए हैं, और एक बात इसमें कहेगी, बर्न योर बोट्स। एक बार एक राजा था, उसने एक आइलैंड पे अटैक किया, आइलैंड समझते हैं, टापू पे अटैक किया। तो वहां लड़ाई, वहां के लोगों ने भी रिटेलिएट किया, उन्होंने अटैक किया उसके, और लगभग जो है राजा की सेना थक चुकी थी, काफी हार चुके थे। तो उनको लगा कि हमको यहां से वापस चले जाना चाहिए, यहां हमारी जीत जरूर संभव नहीं है, वी कैन नॉट विन दिस आइलैंड, हम यहां जीत नहीं पाएंगे। तो राजा बड़ा विद्वान था, उसने अपनी सारी नाव जला दी, अब जाओ तुम वापस, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, फाइट और फिनिश, डू और डाई, या तो लड़ो या फिर मरो। और उनकी आर्मी ने इतनी मेहनत से लड़े कि जीते, अंत में जीते, दे वर द विक्टोरियस। तो वर्न योर बोट्स, किसी भी काम को हम करते हैं, द वर्ल्ड वॉज अ बेटर प्लेस बिकॉज आई वॉज हियर। कौन बच्चा ये बात कह सकता है कि दिस नवोदय विद्यालय वॉज अ बेटर प्लेस बिकॉज आई वॉज हियर, कि नवोदय विद्यालय अच्छा बना क्योंकि मैं इस विद्यालय में था, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अ बुक डाई एम्प्टी, आप लोगों को भी मौका मिलेगा, इसमें हम लोगों को जितना हमारे अंदर ज्ञान है, एबिलिटीज है, विजडम है, नॉलेज है, वी हैव टू शेयर विद अदर पीपल एज मच एज वी कैन। हमको खाली दिमाग होकर के कब्रिस्तान में जाना है, वही सबसे बड़ी बात है। जितना आपके पास नॉलेज है, डोंट कीप द नॉलेज विद योर सेल्फ, शेयर इट विद अदर्स। कई लोगों के पास बहुत सारी, हमारे देश में देखो बहुत सारे लोगों के पास विद्याएं होती थी, कोई सांप का मंत्र जानता था, कोई किसी चीज का मंत्र जानता था, उस समय लोग इन्हीं को इन्हीं से चिकित्सा वगैरह क्या करते थे, लेकिन क्या हुआ कि वो लोग गए तो उन्होंने उनके साथ वो विद्याएं भी चली गई, तो दैट इज दे डिड नॉट डाई एम्प्टी। डाई एम्प्टी होना है हमको, यहाँ पर अपने सारे नॉलेज को शेयर करना है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर द कमिंग डेज एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।